हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका शक्ति एंड नीरज ब्लॉग में। आप कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और नए सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब्सक्राइब किया, हम पे भरोसा किया और आपका भरोसा हम बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया दिखाया था आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके कि होम रेमेडियल जो घर की चीज़ें हैं उनसे ही मिला के जो घर में हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे ही मैंने फेशियल बनाया था। और बिल्कुल देसी तरीका है, सिंपल, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है मैंने। और उससे ही मैं फेशियल खुद से करती हूँ, खुद पे अप्लाई भी किया है और उसके बाद ही मैंने आप सबके साथ शेयर करना अच्छा समझा कि हो आपको अच्छा लगेगा। और ये फ्रेंड्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, चाहे किसी की कैसी भी स्किन है, और बस आपको थोड़ा सा टच करके देख लेना है कि हमारी स्किन पे ये असर कर रहा है तो आप रहने दें, अगर नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं उसको यूज़। और ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, लाइक शेयर और कमेंट करना, ज़रूर बताना एक बार ट्राई करके कि आपको कैसा लगा ये करके। और आप बिल्कुल, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, एक चुटकी हल्दी और ये मेथी का, मेथी दाना होता है जो हम कड़ी में छौंक लगाने के डालते हैं, वो मेथी दाने का पाउडर है। ये हमने लिए है गुलाब जल और ये है फ्रेश ताजी दही। इसको मैंने फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसको, देखिए फ्रेंड्स, ये सामान ये है ब्लीच क्रीम जो हमने बाद में यूज़ करनी है, और ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम जॉनसन बेबी की। और ये फ्रेंड्स, ये सामान मैंने आपको दिखा दिया है, बेसन, हल्दी और कुटी हुई मेथी, और ये है ताजी दही। अब हमने इस सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लेना है, किसी भी, या प्लास्टिक की कटोरी ले सकते हैं आप या स्टील की कटोरी ले सकते हैं। मैंने देखिए अब इसमें गुलाब जल डाला है और एक अच्छे से बैटर तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बैटर बन चुका है बिल्कुल, और हम स्टार्ट करते हैं इसे लगाना। एक बार पहले आपको वन, देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये थोड़ा सा टच करके देखा है, अगर आपको इचिंग या जलन कुछ महसूस हो रही है तो आप फ्रेंड्स इसे ट्राई ना करें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। देखिए मैंने कम से कम इसे एक मिनट के लिए रखा था, अगर जलन होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। देखिए मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। और अब मैं इसे उंगली से ही ट्राई करती हूँ। देखिए मैंने उंगली से ही लगाया है, आप कॉटन से या किसी और स्टिक वगैरह से भी आप लगा सकते हैं, मैंने इसे उंगली से ही लगाना अच्छा समझा और मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए अब इसे अच्छे से मैं सारे फेस पे लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ हमें मसाज करनी है, कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छे से मसाज करनी है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से, ताकि बॉडी में हमारे होल्स हैं जो ओपन हो जाएं। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए अच्छे से इसको मालिश करनी है, मसाज करनी है इन द सेंस फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, आप अपने स्किन पे हाथ ऐसे फेरेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट स्किन आपको लगेगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। देखिए अब 5 से 10 मिनट तक आप फैन ऑन करके बैठना। देखिए उसके बाद मैंने अपना फेस धो लिया था,
कम से कम 10 मिनट के बाद, जब बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाए, उसके बाद मैंने अच्छी तरह अपने फेस को सिर्फ पानी से साफ़ किया है, कोई सोप वगैरह नहीं लगाना ना। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लीच। ब्लीच आप जो आपके स्किन को सूट करती हो आप वो भी यूज़ वही यूज़ करें। ये देखिए, अब मैं ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। फेशियल करने के बाद ये ब्लीच यूज़ करना ना भूलें। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो भी बेटर है, अगर कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आदत नहीं जाएगी, मेरे को उंगली से ही आदत है करने की, क्योंकि मुझे इसी से अच्छा लगता है। उंगली से बहुत अच्छी फिनिशिंग हो जाती है और बहुत अच्छी तरह लग भी जाता है। देखिए, अब हम कर रहे हैं ब्लीच। इसको भी हमने कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है लगाने के बाद, और उसके बाद फ्रेंड्स पानी से धो लेना है, और कम से कम 10 घंटे के लिए